हेलो दोस्तों, देखिए नीट को लेके एक हम बोल सकते हैं कि बुरी खबर है वो निकल के आई है। वैसे आप सभी को मैं पहले बता देता हूँ कि भी आज एक मीटिंग थी, वो आप सभी को बताया कि मीटिंग जो थी वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ थी, ठीक है। पवन बढ़ाना उनसे मिलने गए थे, ठीक है। तो उसका भी क्या रहा वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो एक बैड न्यूज़ है नीट स्टूडेंट के लिए, तो वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, और पोस्टपोन का कितना चांस यहाँ पे अभी भी है उसको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। बैड न्यूज़ मैं आपको दिखाऊँ, उससे पहले आप निधि तनेजा मैम ने एक ट्वीट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इन्होंने बोला है, फ्रॉम स्टूडेंट, नीट यू जी शेड्यूल ऑन जुलाई 17 एंड CUET एग्जाम विल टेक प्लेस इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। देर आर मैनी स्टूडेंट हु अपीयर फॉर बोथ जेई मेन्स एंड नीट। द सेकेंड सेशन ऑफ जेई मेन्स इज जस्ट आफ्टर 3 डेज ऑफ नीट। मोदी जी डेफर नीट यू जी स्टूडेंट सेज। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आज बिहार बिहार टुडे में आज बताया जा रहा है कि भी एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया कि भी 11 तारीख से 15 तारीख तक, मतलब ये आपका जो एग्ज़ाम है CUET वाला ये होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 10 को तो आपको पता है कि भाई जो ईद है तो ईद को तो वैसे नहीं होगा, 11 या फिर 12 को स्टार्ट होगा। अगर 12 को होता है तो 12 से 16 तक चलेगा, ठीक है, और 11 को होता है तो 15 तक, मतलब लगभग इतना एग्ज़ाम आपका चलने वाला, लगभग 5-6 दिन का। यहाँ पे NTA ने भी बोला था, विनीत जोशी का एक बयान आया था उसमें इन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो ये CUET है, ये मेन चीज़ ये है कि इसका जो एग्ज़ाम अगर 11 से लेके 16 तक या फिर 12 से लेके 16 तक होता है तो यहाँ पे जो चांस है वो इंक्रीज हो जाते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के। देखिए, दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक विवेक पांडे सर ने एक ट्वीट किया है कि दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग फॉर स्टूडेंट। ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, जो पिछले 2-3 बार हो चुका है ऐसा, अनदर स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने फिर से यहाँ पे सुसाइड किया है ड्यू टू नीट प्रेशर, ठीक है। ये आर न्यूज़ ब्रेकिंग में आज की खबर बताई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीट के प्रेशर में आके, देखो ये बहुत ही गलत है। मतलब कोई भी एग्ज़ाम आपका ये नहीं है कि भाई हाँ यही लाइफ है वो आपकी सेट करने वाला है, 1 साल बाद में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मेन चीज़ ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एक एग्ज़ाम कोई ये नहीं है कि भाई आपका करियर बस इसी एग्ज़ाम पे है, आप इसके बाद भी अगला ड्रॉप लेके अगली बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी है वो यहाँ पे 1 साल के लिए आप अपनी जो 100 साल की ज़िंदगी है उसको ख़त्म मत कीजिए, मतलब पॉजिटिव आपको रहना है, किसी भी तरीके से आप पॉजिटिव है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद अभी जो है वो आज है, मतलब जो पवन बढ़ाना सर मिलने गए थे तो उनकी मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी है वो नहीं मिले थे। तो हो सकता है आपकी जो मीटिंग अगली हो, कोई डाउट हो या कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट कर लें और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इट्स सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क फिलो। कोई भी प्रीमियम कोर्स खरीदते हैं और उसमें हमारा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% की छूट यहाँ पे मिलेगी। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मंडे को हो सकती है, मंडे को जो धर्मेंद्र प्रधान है उनसे मीटिंग होगी और उसके बाद हो सकता है कोई ना कोई सॉल्यूशन है वो निकल आए। यहाँ पे हम एक पॉजिटिविटी ये है कि भी हाँ कुछ चांस हैं आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होने।